शांति माँ, आप कैसे हो? ओम शांति। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? या मैं बहुत अच्छा हूँ माँ। माँ की परिचय यही है। माँ का नाम माँ आनंद मोई। वोशो मेडिटेशन में वो टीचर है, सन्यासी भी है। हाँ, एक्चुअली मैं ओशो का सन्यासी हूँ और मेरा जो पिता माता है उसका जो मैंने नाम दिया है उसका नेम है स्वागता, और मेरा हस्बैंड ने मेरा नाम रखा है राधिका, और मेरा जो प्रेमी बोल सकते हैं, गुरु बोल सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं ओशो, उसने मेरा नाम दिया है माँ आनंद मुई। और मेरे खुद को ये नाम बहुत पसंद थी, बस छोटी उम्र में ये नाम मुझको बहुत पसंद थी, माँ आनंद मोई। तो वाह अचानक की बस ये सन्यास मिल जाने के बाद यही नाम मेरा ही चूज हो गया। ओके। आप वोशो को पर्सनल दिखाए दिखाई नहीं, मैंने ओशो को नहीं देखा, मैंने ओशो का तो एक क्या बोलते हैं उसको, जो सन्यासी है ना, वो सब सन्यासी को मैंने देखा है। और ओशो का बहुत ही खास एक बाबा है, उसका नाम है नावल बाबा, ओके तो वो मेरा भी बाबा है, वो सबका ही बाबा है। ओके हाँ, तो उसके साथ मेरा बहुत जाना पहचाना है, और उस बाबा को भी मैंने पाया है, मेरा जो पिता है उसके चले जाने के बाद ही नवल बाबा के साथ मेरा संबंध हुआ है। ओ, आपका लौकिक परिवार में सब वोशक का डिवोटी नहीं, बस मैं हूँ और मेरा हस्बैंड है, वो भी ओके लिया है संन्यास। ओके ओके। आप वोशो सेंटर पर हाँ नहीं, मैं है? मेरा बस वही नाम से एक आश्रम है, प्रेम संगीत आश्रम, उसमें गाना मेडिटेशन ये सब चलते हैं, बस हम सब आनंद में रहते हैं। आप लौकिक परिवार में रहते हैं और आश्रम में रहते हैं सदाकाल? मेरा आश्रम है एक्चुअली। देखिए, सबका ही घर जो है ना, सबका घर ही खुद का आश्रम होना चाहिए, बस है ही, बस वो जो आदमी सब है ना, औरत है, आदमी है, बच्चे लोग है, वो समझते नहीं है, ये घर ही तो हमारा आश्रम है, खुद का और कैसा आश्रम हो सकता है। आप किस एज पर वो शो पर अट्रैक्शन हुआ, किसका एक्चुअली मेडिटेशन देखिए, मेरा छोटा से ना, मैं बहुत खोजती थी, मतलब ये जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होता है। जब मैंने बहुत छोटी थी, मैंने एक मेरा टीचर, किस एज पर? वो 12 12 ईयर से स्टार्टिंग हुआ था, 12 ईयर्स। और मेरा जब, हाँ, मैं जब माध्यमिक दे रही थी, मैंने एक टीचर से पूछा कि टीचर मैम, आप बता सकते हैं ये आकाश को कौन सृष्टि किए है? तो उसने मेरा मम्मी को कॉल किया, बोला आपका बच्ची का दिमाग खराब है। तो उसने मुझको जवाब नहीं दिया, तो फिर भी मैंने बहुत ही गहरी में जा रही थी, क्या ये क्या होता है, हम आते हैं कहाँ से और हम जाते हैं कहाँ से। बस ये भावना मेरे अंदर जो सुप्त मन है ना, उस मन में मतलब चापा हुआ था, पत्थर हो गया था वो। तो फिर क्या हुआ, बस सभी के जैसे होता है, मैं भी बड़ा होने लगा, बहुत सारा प्रेम करने लगा, वो लड़का लड़की का जो प्रकृति जो होता है प्रेम, ऐसे ही हो गया। फिर जब मेरा शादी हो गया, मतलब शादी हो गया, फिर मेरा जो हस्बैंड है, एक्चुअली ना मैं छोटे उम्र से बहुत स्वतंत्र रहना पसंद करती हूँ, मतलब फ्रीडम, मतलब मुझको फ्रीडम। कोई बबून नहीं चाहिए, तो इसलिए पसंद नहीं था। फिर मेरा मम्मी के साथ भी थोड़ा थोड़ा लड़ाई झगड़ा होते थी, मम्मी बोलते हैं
पीरियड्स के समय तुम उधर मत जाओ इधर मत जाओ, वो जो ठाकुर वो जो मानते हैं, तो इसे हिसाब से बहुत गुस्सा आते थे मम्मी के ऊपर, क्या बोल रही है। फिर ये जो खोज है ना, ये मेरा मन की गहरी खोज है। तो फिर मेरा शादी हो गया, शादी हो जाने के बाद ना मेरा जीवन में कुछ उलट पलट हो गया, मतलब कुछ ढंग से नहीं चल रहा था। मैंने बोला क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ही ट्रबल प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरा जो सास है, मेरा जो ननद है, वो सब मुझको पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो मैं बोलती हूँ क्यों ऐसा क्यों मेरे साथ हो रही है, या फिर सभी के साथ होता है, सभी के साथ होता है, पर मैं उस गहरी में जाना चाहती थी क्यों हो रहा है, कारण तो कुछ होगा ना। तो फिर ये बात सोचते 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 मेरा दिमाग एक दिन बहुत खराब हो गया था, बहुत ही खराब हो गया मेरा दिमाग। फिर मैंने सोचा क्या चलो आप इस जीवन को नहीं रखना है, क्योंकि सब प्रॉब्लम ही मेरे मेरे हिसाब से होता है, सब प्रॉब्लम के मूल मैं ही हूँ, कि मैं मेरा पिता माता को दुख दिए हूँ, मेरे मेरे ऊपर से सब कुछ है, तो चलो इस जीवन को अब नहीं रखना है। वही समय पर बांगुड़ कलकत्ता बांगुड़ एवेन्यू में ओशो का एक सेंटर है, सन्यासी लोगों का सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर। तो मैंने नहीं जानता वो ओशो का है, बस मैंने फोन में सर्च किए थे और ढूंढ रही थी। हाँ, ओशो को एक बार मैंने मोबाइल में देखा, वो नेपाल में सब सन्यासी लोग रहते हैं ओशो रजनीशपुरम में, तो ऐसा ऐसा सब लोग नाचते हैं, आनंद में रहते। मैं बोला ये सब क्या कर रही है। फिर 3 साल बाद ओशो ने मुझको बुला लिया। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं मेरा जीवन खत्म करने ही जा रही थी, क्योंकि मैं मेरा जीवन से बहुत ही गुस्सा हो गई थी, तो इसलिए मैं सोचती थी नहीं मैं और जीवन नहीं रखूंगी। फिर उसी दिन ओशो का मृत्यु का डेथ का डेट था। मैं वो सन्यासी बाबा मुझको बुलाया, स्वामी जी ने बोला माँ आप आइए, आप एक बार हम लोगों का ये मेडिटेशन सेंटर देख लीजिए। फिर मैं गया, मैंने बोला अरे ये तो ओशो है, इसको तो मैं पहचानती हूँ। वही दिन से पूरा मेरा जीवन ही बदल गया, पूरा ही जीवन बदल गया। और मेरा सन्यास लेने के बाद आफ्टर सिक्स मंथ मेरा जो पापा है वो, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ अभी, तो वो ही पृथ्वी लोक से चले गए। और वो भी ना बहुत अचानक था, एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा है या हो रही थी ये मुझको मतलब मैं समझ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे पापा का चले जाने के कुछ 1 या 2 वीक्स आगे मेरे ना सपना आता था, मतलब मैं खाने लग गई, फिर मैं मेरा सोच आती थी क्या मैं पापा का वो जलन कर रही हूँ, मम्मी विधवा हो गया है। अरे मेरा दिमाग एकदम खराब हो जा रही थी, मैंने बोला क्यों ऐसा क्यों आ रही है, अरे ऐसा क्यों आ रही है मेरे ऊपर। ऐसे करते 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 फिर वही दिन आ गया और पापा चले गए। मतलब फिर बाद में ये बात को लेकर, हाँ पापा का जाने के बाद ना मेरा जो लाइफस्टाइल है वो भी पूरा बदल गया, क्योंकि मैं बस कोई दिन ससा खाती थी क्यूकम्बर, कोई दिन सूखना मूढ़ी खाते थे, क्योंकि मैं ना हर दिन ससान रे मैं घूमती थी, मेरा घूमने का जगह था ससान। ये सब कुछ होने लगा है, मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस होने लगा था, मैं जोड़ करके कुछ भी नहीं कर रही थी, ये सब अपने आप होने लगा है। और हाँ इसमें मेरा हस्बैंड मुझको बहुत सपोर्ट किए। मैं बुद्धिस्ट आश्रम में गई थी जानने के लिए क्या है ये सब बताइए मुझको, तो सब मुझको सब कुछ बताया। फिर मेरे को फील हुआ हाँ, क्योंकि ये तो मेरा मैं जब छोटी उम्र थी ना मेरे सोच में तो यही था। फिर
मैं जब बड़ा हो गया था, मतलब मेरा शरीर जब और भी बड़ा होने लगा प्रकृति के हिसाब से, मैं दूसरी रास्ते पे चली गई थी। फिर वो ही रास्ते से मुझको सही रास्ते पे लेके आया है ओशो। वाह, तो आप ओशो के आश्रम में आने के पहले भी बुद्ध आश्रम भी आप चले? नहीं, ओशो ओशो के जब मैंने संन्यास ले लिया, फिर मैंने घूमने लगा। शशान में गई, ओ बौद्धिस्ट मॉन्क जो है उन लोगों के पास मैंने जाती थी। ये क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, भगवान कहाँ होते हैं, क्योंकि मैं भगवान को खोज रही थी। कौन है भगवान, क्योंकि ओ ये भगवान कहाँ रहती है इसको तो पता नहीं है। सब बोलते हैं मंदिर में जाओ, पूजा करो, ऐसे चढ़ाओ ऐसे चढ़ाओ। मैंने बोला अरे मैं भी तो इन लोगों की तरह ही था क्या, भगवान मुझको एक जॉब दे दो। मैं सिंगर था एक टाइम में, अभी अभी शादी का हूँ, संगीत की शादी का हूँ। मैं बस मन से करती हूँ, और उस टाइम में संगीत को करते थे पैसा लेने के लिए, मतलब पैसा आ रही है ना संगीत के लिए, मतलब प्यार नहीं था, मतलब मेरे प्यार था पैसों से, संगीत से नहीं। प्यार था पैसों से, संगीत से नहीं। मैं सच बोल रही हूँ आपको, अभी मेरा प्यार है संगीत से, पैसों से नहीं। तो पैसे अपने आप ही आने लग जाते हैं। पहले आप ही संन्यास ले लिया आपके हस्बैंड आपके नहीं, बाद मैंने संन्यास हम दोनों एक साथ ही संन्यास लिए हैं, लिए? और संन्यास क्या है ये भी मालूम नहीं था मुझको। बस ओ सब ले रही है, फेस्टिवल हो रही है, तो मैंने बोला चलो मैं भी ले लूंगी, फिर ले लिया। और एक्चुअली वो जो मैंने आपको पहले ही बताया था ना, माँ आनंदमयी, ये नाम छोटे उम्र से मुझको बहुत पसंद था। तो ये नाम को मैंने जब पसंद किया, अभी ये नाम तो देना पड़ेगा ना इस शरीर को, तो एक सेतु तो होना चाहिए, तो ये सेतु ही ओशो है और संन्यास है। अभी आपका विचार क्या है भगवान के बारे में? कौन है भगवान? भगवान आप ही है, भगवान मैं हूं, भगवान सभी तो भगवान है, कौन नहीं है भगवान ये पूछिए। एक पैर में भी तो भगवान रहती है। मैं आपको हम कहाँ से आया हुआ है इस धरती पर? हम तो ये ब्रह्मांड का ही सृष्टि है। मैं एक सच बात आपको बोलूं, आपका व्हाट्सएप में जो बाबा है ना, उस बाबा को मैंने एक दिन देखा था, ठीक है। मेरी व्हाट्सएप पर? हाँ, जो वाह एक बाबा वाह है ना, वाह, या वो या बाबा को मैंने एक दिन देखा था। मैंने बोला बाबा आप इतने सुंदर है, आप सबको बुलाते हैं, क्या मैं भी आपका बेटी बन सकती हूँ बाबा? और देखिए, और आज आप ही विचार कीजिए इस बातों का। मैंने अभी भी देखा ना, कहाँ अरे ये तो वो ही बाबा। कहाँ आप देखिए इस बाबा को? वो व्हाट्सएप में आते हैं ना स्क्रॉल कर, व्हाट्सएप नहीं सॉरी, यूट्यूब में आते यूट्यूब हैं। में? ओके हाँ, बाबा का कुछ गाना मैं सुनती हूँ, तो वो बाबा को बहुत प्यार लगा। मैंने बोला बाबा आपके पास तो सब जाती है, तो मैं तो ज्यादा दूर तो नहीं जाती हूँ, तो आप ही चले आइए मेरे पास, बाबा का कृपा होगा तो बाबा के बाबा मुझको बुला लेगा। तो देखा ना, तो बाबा तो बुला ही लिया। लेकिन आप जानते हैं उन बाबा को? नहीं, नहीं, बाबा का नाम मुझको नहीं मालूम है, बस बाबा को मैंने बाबा ही जानती हूँ। सिर्फ देखने से आप होता है ना सोचा? एक अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होता है अट्रैक्शन, ना, अट्रैक्शन होता है क्या? वही 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 हो गया है। एक्चुअली हम उनको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, अच्छा या एक्चुअली वो ब्रह्मा
मीडियम है भगवान आने के लिए, इनका शरीर में भगवान आता है एंड इस ज्ञान जो ब्रह्म कुमारी सिखाते हैं वो भगवान उस इन शरीर द्वारा ही लिया है। तो भगवान हम कहेंगे शिव को, एक शिव को, उस शिव को मुस्लिम वाला अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन वाला हेवनली गॉड फादर बोलते हैं, बट गॉड एक ही है। एंड या भगवान खुद इस धरती पर आते फिर बोलते उनका परीक्षक, क्योंकि सिर्फ भगवान ही जानते हैं आपके परिचय के लिए। सो शिव बाबा रहते हैं इस गोल्डन रेड कलर दुनिया में, इसका नाम है परंधाम। हिंदू लोग बोलते परंधाम, क्रिस्त लोग बोलते परलोक। इस जहां पर हमारा बाबा दुनिया का बाबा शिव बाबा रहते हैं। नॉट ओनली शिव बाबा, हम आत्मा ये सब रहते हैं उनके साथ। सो आत्मा रहते हैं बिंदी तरह, छोटी बिंदी तरह, भगवान भी छोटी बिंदी तरह ही रहते हैं, स्टार्स जैसे। लेकिन अंत आत्मा और परमात्मा के अंदर फर्क यही है, हम इस 5000 कल्प चक्र का चक्र में जन्म मरण लेते रहते हैं, लेकिन भगवान जन्म मरण से बाहर रहते हैं। फिर भी लास्ट 100 इयर्स भगवान सिर्फ खुद उस बाबा धन पर, ब्रह्मा बाबा धन पर आते, वो समय ब्रह्मा के उम्र 60 है, उस समय भगवान शिव बाबा बोलता हूँ, मैं हूँ शिव बाबा, सारी जन्म सारी लोग मुझे भी भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ अब आप सब आत्माओं को लेने के लिए, क्योंकि इस दुनिया डिस्ट्रॉय करने वाली है, अब आप सिर्फ एक बात करने पड़ेगा, वो ही हम आत्मा मुझे हमारा हम आत्मा समझ परमात्मा को याद करना पड़ेगा। आत्मा है प्रकृति के बीच, इसलिए हम तिलक रखते हैं इस पर। एंड भगवान भी आत्मा है, लेकिन उसका निवास स्थान ये परलोक और परंधाम है। हम क्या करना चाहिए, तो हम हर समय हमको आत्मा समझ परमात्मा को याद करना पड़ेगा, सिर्फ ये हम करना चाहिए। क्या हुआ इस करने से, बाबा बोलते हैं, हम बाबा सिर्फ शिव को कहते हैं क्योंकि वो है हम सबका बाबा, एक है, एक शिव है, वो है परमात्मा। ये बोला है आप जब तक मेरी याद पर है
तब तक आपके अंदर जो पाप संस्कार है, काम, लोभ, क्रोध, ये सब निकल जाएगा। सो हम सिर्फ बाप की याद में रहना चाहिए बस। आप फैमिली में रह सकते हो, आप जो भी चाहे वो भी करना चाह, नो रेस्ट्रिक्शन है। सिर्फ हम बाबा के पास हमारा माइंड को कनेक्ट करना चाहिए, सिर्फ यही हम करना पड़ेगा। एंड क्या हुआ इससे, हमारा आत्मा फर्स्ट हम समझना चाहिए, हम इस शरीर नहीं, शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। सो अविनाशी आत्मा का बाप अविनाशी परमात्मा है, वो इस शरीर का बाप नहीं है। आपका शरीर का बाप अलग है, मेरी शरीर का बाप अलग है, लेकिन हम सब आत्माओं का बाप एक परमात्मा है। वो इधर रहते हैं 5,000 वर्ष, लेकिन लास्ट 100 ईयर्स वो खुद ब्रह्मा दंड पर आता है इस ज्ञान देने लिए। सो हमको आत्मा समझ बाप को याद करना पड़ेगा। इसलिए हम बाप की तरह प्यूर कर सकते हो। तो पवित्रता यही मेन बात है। तो हम कितना प्यूर हुआ इस अभ्यास से, उतना पद मिलेगा स्वर्ग से। बिकॉज ये है 5,000 के चक्र, कल्प चक्र, उनमें आधा कल्प 2,500 ईयर्स ये था स्वर्ग। हमारा भारत भूमि है स्वर्ग, फर्स्ट आधा कल्प में। लास्ट आधा कल्प में पूरी धरती हेल हो गई। इसलिए हम भिन्न भिन्न दुख कहानी पड़ेगी। हम इसका कारण हम काम, क्रोध, लोभ, इस पांच विचार में, इंग्लिश में बोलता हूँ, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, ये पांच विकार हर आदमी में है। सो ये पांच विकार माया कहते हैं। हम इस माया के, माया पर जीने पाते हैं बाप बाप को याद करने से, वही हमारा लक्ष्य है। सो हम अगर 100% प्योर होंगे तो हम फर्स्ट पद मिल सकते हो, लक्ष्मी नारायण पद ही फर्स्ट पद। सो ये है हमारा लक्ष्य है। सो उस पद लेने के लिए हम सिर्फ बाप के पास हमारा माइंड अटैच करना पड़ेगा। ये है ब्रह्म कुमारी का ज्ञान। दिस इज बाबा जो तन लेता है उनको बाब ब्रह्मा कहते हैं। सो हम ऑलवेज शिव बाबा के बच्चे हैं जब हम आत्मा होंगे, लेकिन हम शरीर में है अब। इसलिए बाप के ज्ञान एक शरीर द्वारा ही दे सकते हैं। इसलिए हम
बाप की बच्चा ब्रह्मा द्वारा बनते हैं, इसलिए हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, बाप की कुमार कुमारिया हम। ये है शिव बाबा के ज्ञान, सिर्फ सिंपल ज्ञान है। आप फैमिली पर रह सकते हैं, आप जो भी चाहते वो कर सकते हैं, सिर्फ हमारा याद शिव बाबा पर सदा सदा कल रहते जरूरत है। ये है ब्रह्म कुमार इसका ज्ञान। एंड या दैट्स बाबा जो आप अट्रैक्ट किया उसका परिचय है माँ। So, मैं कोलकाता में ब्रह्म कुमारी इसका बहुत ही नाम सुने थे पर कभी गए ही नहीं। एक दादा मुझको बोला था कि कोलकाता में बहुत सेंटर है तुम आ जाओ, फिर जाऊंगी 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 करके नहीं जा पाए। पर अब बाप सिर्फ खुद आप पर आए आए हैं। हाँ, अब हाँ यही तो मैंने आपको बोला या So, उस टाइम उसको पसंद किए थे। एंड जो बाबा बोलते ब्रह्मा से वो मिला है इंटरनेट पर मुरली का नाम से। अच्छा, आप गूगल में सर्च कर सकते हो ब्रह्म कुमारी मुरली, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। एंड थैंक यू सो मच माफ आपका समय हमको शेयर करने में। आपको भी धन्यवाद। ओके थैंक यू माँ। हम अलग वीडियो में सुन देखे। एंड मेरी हिंदी बहुत वीक है फिर भी। नहीं 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 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी। बट स्टिल नेक्स्ट टाइम I will improve my Hindi, ma. Thank you so much. Okay, ma. Thank you so much for joining us. Thank you so much. Thank you. Thank you. Dhanyavad, ma. Thank you. Dhanyavad. Okay, ma.